नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कुछ दिन पहले मुंबई से आते वक्त अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के नजदीक वाटवा और मणिपुर स्टेशन के पास देश की नई वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड से टकरा गई, जिससे उसके आगे का जो नाक है वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। दोस्तों, इस घटना को लेकर मेरे कई सारे व्यूअर का कहना यह है कि क्या वंदे भारत एक्सप्रेस को इतना कमजोर बनाया गया है कि वह एक भैंस के टकराने से इस तरीके से टूट गई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि पुराने जमाने के जो लोकोमोटिव होते थे वह कितना मजबूत होते हैं कि उनसे अगर कोई गाय भैंस भी टकरा जाए तो उन्हें कुछ नहीं होता है, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस कितना कमजोर बना है कि एक भैंस के टकराने से वह इस तरीके से टूट गई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको उस एक्चुअल रीजन के बारे में बताएंगे, जिससे यहां पर आपको ये चीजें पता चलेगी कि क्या वाकई में यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस को कमजोर बनाया गया है जो कि पुराने लोकोमोटिव को कंपेयर करने से, या फिर यहां पर रीजन कुछ और ही है। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको यह समझना, दोस्तों भारतीय रेलवे में जितनी भी चीजें बनती है उनके कई सारी चेकिंग होती है और सारे चेकिंग को पास करने के बाद ही उन्हें ट्रैक्स पर लाया जाता है। तो रेलवे यहाँ पर कभी भी यह नहीं चाहेगी कि हम किसी चीज को कमजोर बनाएं कि वह आगे चलकर उस जो है परीक्षण में पास ही ना हो। तो ये बातें तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस को कमजोर बनाया गया है जिससे वह भैंस के टकराने से इस तरीके से टूट गई। दोस्तों, दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि जो ट्रेन होते हैं वह रेलवे की ट्रैक्स पर चलते हैं और ट्रैक्स पर चलते हुए ट्रेन यह कभी नहीं चाहेगी कि हम उतर कर जाकर भैंस के झुंड से टकरा जाएं। यहां पर गलती भैंस के झुंडों की है जो कि वो रेलवे ट्रैक्स पर आ गए हैं और जब खुद वो रेलवे ट्रैक्स पर आएंगे तो टक्कर तो जरूर होगी। अब सवाल यह है कि टक्कर होने से, मान लीजिए कि कोई भैंस की झुंड से अगर ट्रेन की टक्कर होती है तो इस तरीके से जैसे ट्रेन 18 या फिर वंदे भारत का जो नाक है टूट गया है, तो यहाँ पर रीजन कुछ और ही है, या फिर कहिए कि यहाँ पर कुछ टेक्निकल रीजन है जिसके चलते ऐसे हुआ है और बाकी पुराने लोकोमोटिव में इस तरीके की घटना नहीं मिली है। दोस्तों, होता क्या है कि पुराने लोकोमोटिव जो हैं उनकी स्पीड तो 120-130 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन वह जनरली 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि कोई लोकोमोटिव 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही है और जो वंदे भारत एक्सप्रेस है उस समय इसकी स्पीड जो थी वह 130 किलोमीटर पर आवर थी, तो अब सोचिए कि कोई एक धीमी रफ्तार से चलती हुई ट्रेन उसके कंपेयर में एक तेज रफ्तार से चलती हुई ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट से टकराए। अब एक भैंस का जो वजन है वह लगभग 450-500 किलो तक हो। अब अगर यहाँ पर 450-500 वजन पर कोई 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती हुई ट्रेन टक्कर मारती है तो जाहिर सी बात है कि वहां कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा वह इस तरीके से जरूर क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हाँ, अगर हम इसका कंपेयर पुराने लोकोमोटिव से करें, क्योंकि उसकी स्पीड यहाँ पर 80-90 किलोमीटर पर आवर होती है, तो अगर उसकी टक्कर इन सब चीजों से होती है तो ये जो इम्पैक्ट है, जो इस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है पीछे दबाव, वो जरूर थोड़ा कम होगा, यानी कि इस तरीके से जो क्षतिग्रस्त हुआ है इसके कंपेयर में वो थोड़ा कम क्षतिग्रस्त होंगे, लेकिन क्षतिग्रस्त जरूर होंगे। यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस की जो स्पीड है वह ज्यादा होने के कारण इसके जो नाक है इस तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो दोस्तों, यही वो रीजन है जिसके चलते यहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस की यह स्थिति हुई है। यहां पर यह कहना बिल्कुल गलत है कि जो है वंदे भारत को कमजोर बनाया गया है जिसके चलते यहां पर इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो जो लोग इस तरीके का बयान दे रहे हैं वह बिल्कुल गलत है। यहां पर रीजन कुछ और ही है, स्पीड ज्यादा होने के कारण इस तरीके से जो टक्कर हुई है जिसके चलते ये चीजें हुई है। हां, रेलवे ये कोशिश कर रही है कि जो है उनके जो भैंस मालिक थे उनके ऊपर केस वगैरह कर दिया गया है, जिसके ऊपर आगे चलकर इस तरीके की कोई घटना ना हो, कोई भी जो है गाय बैल को ट्रैक्स पर ना छोड़े, क्योंकि अब जो ट्रेन चल रही है इतनी स्पीड में चल रही है, तो अगर हाई स्पीड को चलाया जाएगा तो इस तरीके से डेडिकेटेड ट्रैक्स बनाए जाएंगे जहां पर कुछ भी इस तरीके की जो है चीजें ना हो, जिससे ट्रेन यहां पर स्मूथ तरीके से चल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर लिखिएगा। सो इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।